का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बदलते रुख की, खासकर नरेंद्र मोदी की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले अपने कार्यकाल के दौरान, नितिन गडकरी जी के कार्यकाल के दौरान, जिस तरह से केंद्र से दूरियाँ बनाकर रखी थी, अपने नेताओं से दूरियाँ बनाकर रखी थी और गुजरात तक ही अपने आप को सीमित रखा था और कहीं बाहर निकलने पर भी वो अपने ही तामझाम के साथ निकला करते थे, अब उनमें थोड़ा सा बदलाव आया है राजनाथ सिंह के आने के बाद। हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। इस पर हम फिलहाल, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश ठाकुर मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, आपने देखा नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जी के खासकर उस कार्यकाल की अगर हम बात करें तो एक दूरी अख्तियार करके रखी थी उन्होंने दिल्ली से। दिल्ली जाना भी चाहते हैं और दिल्ली से दूरी भी, लेकिन राजनाथ सिंह के आने के बाद लगभग 2 घंटे तक उनके साथ बैठक भी करते हैं, उनके साथ लंच भी लेते हैं और आगामी चुनाव पर चर्चा भी कर लेते हैं। ये बदलाव क्या दर्शाता है? नरेंद्र मोदी के नेचर का तो लगता नहीं, ये रणनीति है या फिर उनके बदले नेतृत्व, बदलते स्वभाव का संकेत है? सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में बहुत योगदान रहा। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी कल मिलने के लिए गए, उनको, राजनाथ सिंह जी को हम लोग भी मिलने के लिए गए थे। हमारे देश के सभी राष्ट्रीय नेता, जो CM है, वह सब एक एक करके आके मिल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पिछले चुनाव में भी मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में था। एक नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना और उनका अभिनंदन करना और 2 घंटे बैठना, आने वाली राजनीति, देश की राजनीति और गुजरात के विषय पर भी उन्होंने जो भी गुजरात में चल रहा होगा उसकी जानकारी दी होगी एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने का काम नरेंद्र मोदी निश्चित आने वाले समय में करेंगे। राजनाथ सिंह जी की अपनी एक क्वालिटी है, आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी जैसे ही अध्यक्ष बने, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि भाई बड़े तपे तपाए नेता हैं, किसान नेता हैं और काम को बढ़ाएंगे। JDU के अध्यक्ष शरद यादव जी ने कहा कि बहुत अच्छे नेता हैं और किसान नेता हैं और उनके आने से NDA का कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल NDA में जो भी लोग भी काम कर रहे हैं, फिर वो अलग अलग गट के लोग होंगे, अलग अलग पार्टी के लोग होंगे, निश्चित तौर से एक माहौल बदला है, अच्छा माहौल है और राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम निश्चित NDA और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। एक बदलाव देखने को मिला है राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में। वो बदलाव अगर NDA के घटक दलों में देखने को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के भीतरी गुटबाजी में भी कुछ हद तक, कहा जाए नरेंद्र मोदी के इस रुख से तो थोड़ा सा उसमें भी एक परिवर्तन देखने को मिला है। नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में पूरी तरह से या तो नितिन गडकरी को नज़रअंदाज कर रहे थे नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी, ये शोध का विषय हो सकता है। लेकिन एक हम आपको दिखाते चलें राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष बनने के बाद के घटनाक्रम पर हम एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद जयप्रकाश ठाकुर जी के पास आएंगे और हम चलेंगे, रुख करेंगे दिल्ली में अपने संवाददाता के पास कि दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां क्या कहती हैं। फिलहाल एक खबर देख लेते हैं। दूरियां बनी नजदीकियां, नरेंद्र मोदी की राजनाथ से मुलाकात, क्या है मुलाकात का राज, क्या BJP में बनेगा नया समीकरण?
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने के पहुंचे, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बुरे दौर से गुजर रही बीजेपी में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। रविवार को दिल्ली में राजनाथ के निवास पर दो घंटे चली इस मुलाकात के बारे में मोदी ज्यादा कुछ नहीं बोले। ये आम मुलाकात है और राजनाथ सिंह के साथ मेरी यह मुलाकात सार्थक रही। हमारे बीच साल 2014 में होने वाले आम चुनाव के बारे में भी चर्चा की गई। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात का अलग मतलब निकाल रहे हैं। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पहले कभी अच्छे नहीं थे। हमेशा ही ये दोनों एक साथ नहीं बल्कि दूर दूर दिखाई दिए, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनाथ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि आरोपों से घिरे गडकरी गुजरात चुनाव में कन्नी काटते दिखाई दिए। 2009 लोकसभा में बीजेपी चुनाव बुरी तरह हारी। उस समय भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। उस वक्त मोदी और राजनाथ के रिश्तों में भी कड़वाहट थी। 2014 में बीजेपी नहीं चाहती कि उसे तीसरी बार हार का सामना करना पड़े, इसलिए बीजेपी को तलाश है एक अटल बिहारी और आडवाणी जैसी जुगलबंदी की। राजनीतिक जानकार इसे राजनाथ और मोदी को आडवाणी और अटल जैसी जोड़ी के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी भी अब समझ चुकी है कि उसे दिल्ली पहुंचना है तो मोदी और राजनाथ को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। शायद यही दोनों नेता मिलकर बीजेपी की नैया पार लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज, मुंबई। वाजपेयी और आडवाणी जी के तर्ज पर जिस तरह से राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, ये आने वाले बदलते संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतरी राजनीति के, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं यूपी और एनडीए की राजनीति पर भी, क्योंकि राजनाथ सिंह अलग तरीके के नेता माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी एक अलग रुख अख्तियार करने वाले नेता हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के बाकी घटक दल क्या सोचते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने अपनी तरफ मोदी को बुलाकर या मोदी ने उनकी तरफ जाकर अपने दलों के बीच एक नए समीकरण के संकेत जरूर दे दिए हैं। जयप्रकाश जी, नितिन गडकरी भी संघ के एक छोटे से कार्यकर्ता से बड़े बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी भी संघ के स्वयंसेवक रहे, और लेकिन नितिन गडकरी जी से उनकी दूरियां जग जाहिर रहीं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस मामले में कभी इस तरह की भूमिका निभाते नहीं देखा गया कि उनके बीच में कोई समन्वय स्थापित कर सके, लेकिन राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनते ही नरेंद्र मोदी का फौरन दिल्ली की तरफ कूच करना, ये 2014 के सिर्फ इलेक्शन की बात है या नितिन गडकरी के जाने का एक जश्न मनाने जैसा है नरेंद्र मोदी के लिए कि नितिन गडकरी का जाना और राजनाथ सिंह का आना उनके लिए कोई जीत की घटना हो जैसे? मुझे नहीं लगता कि इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखें, क्योंकि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी, उसके पहले आडवाणी जी, उसके पहले नितिन गडकरी जी, ऐसा हम इसको उस मूड में नहीं जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी ने 3 वर्ष तक बहुत अच्छे काम किए हैं। नितिन जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने, उनके कार्यकाल में गुजरात के चुनाव हुए, और जो भी पॉलिटिकली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा काम नितिन गडकरी जी ने किया। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी थे तो जितने फ्लाईओवर ब्रिज या पीडब्ल्यूडी ने जो काम किया होगा उतना काम किसी ने नहीं किया था। नितिन गडकरी जी की अपनी सोच है, एक अच्छा काम करने वाला एक नेतृत्व है। नॉर्मली 3 साल में नेतृत्व बदलता है, लेकिन इस बार अमेंडमेंट किया गया कि हम 2 टर्म भी दे सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन कहा जाए कि जिस तरह से तैयार की गई, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया, वो नितिन गडकरी जी ने स्वयं कहा कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूं यहां से। नितिन गडकरी जी के लिए कुछ इस तरह के माहौल बन गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वरना उनके लिए पूरा रास्ता साफ कर दिया गया था, दूसरा कार्यकाल भी संभाल सकते थे। हम चर्चा को जारी रखेंगे मुद्दे की बात में। जयप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली के संवाददाता से भी हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई आज? पूरी क्लास चिड़िया
क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। पीएसएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसएल इंडिया लिमिटेड। पीएसएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई है? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? आपका कोई धोनी वाली नहीं हूँ पापा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाँफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में, राजनाथ सिंह और मोदी के मिलाप की जो दिल्ली में हुआ, और इस पर क्या प्रतिक्रिया रही राजनाथ सिंह जी की। नागपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने इस मुलाकात पर अपनी क्या टिप्पणी दी, वो हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अथवा किसी भी राज्य का भी कोई अध्यक्ष यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए आता है अथवा किसी रूप में यदि वह मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उस राज्य के बारे में चर्चा होगी और साथ ही साथ देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा होगी। तो उन्होंने कहा था जिस समय मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था कि मैं किसी दिन आकर वहां बधाई देना चाहूंगा, और इसी निमित्त मोदी जी कल आए थे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्रोटोकॉल भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब इस प्रोटोकॉल को निभाते हैं तो लोगों की भ्रुकुटियाँ इसलिए तन जाती हैं क्योंकि इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहा है वो भी अध्यक्ष था, लेकिन नितिन गडकरी ने कभी इस तरह का नितिन गडकरी जी के लिए कोई भाव नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखाया, बल्कि एक दूरी इख्तियार की हुई थी। आज जबकि ऐसे संकेत मिलने लगे कि राजनाथ सिंह और मोदी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तो
तो शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि आने वाला कल हमारा हो सकता है, बशर्ते जितने लोग हैं दूर दूर हैं वो सारे करीब आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट से अगर नाराज़गी है और अलग अलग मुद्दों पर लोग दूर जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक पर्याय बन सकती है, विकल्प बन सकती है, और एनडीए का नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली में क्या गहमागहमी रही, इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता आसिफ के पास। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आसिफ साहब, बताएं कि क्या ये माहौल कैसा है अब नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बीच जो मुलाकात हुई, ये एक थोड़ा लीक से हटकर है, नरेंद्र मोदी के स्वभाव से मेल नहीं खाती, लेकिन ऐसा हुआ जरूर। नरेंद्र मोदी पहुंचे राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात करने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, इसे राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए और किस तरह से लिया जाए? बिल्कुल, बहुत बेहतर कहा आपने कि राजनीतिक मायने, बिल्कुल इस बैठक के अगर हम सबसे पीछे कहें तो इसके बिल्कुल राजनीतिक मायने हैं। ये कहीं भी ये पर्सनल मीटिंग इसको नहीं कह सकते हैं, कहीं भी औपचारिक मुलाकात नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये साफ था कि ये एजेंडा के तहत ही मुलाकात हुई। और इस एजेंडा के तहत सबसे बड़ी बात ये रही समाज साहब कि ये पहले कुछ भी बातचीत का ये टाइम मुहैया नहीं कराया गया था, बताया नहीं गया था, अचानक रात में ये खबर आई कि कल सुबह नरेंद्र मोदी आ रहे हैं राजनाथ सिंह से मुलाकात करने दिल्ली में, और फिर मुलाकात करने के तुरंत बाद वो चले जाएंगे गुजरात। तो आप समझिए कि ये मुलाकात जो चली वो 2.5 घंटे तक मुलाकात चली, बहुत ही बाहर में ये मैसेज देने काम किया है कि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई। लेकिन इसके पीछे अगर हम पर्दे के पीछे की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये रही कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एक मयान के दो तलवार हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी उस मयान का नाम है और बीजेपी अपने मयान में दोनों तलवार को किस तरीके से रखती है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। खास करके हम बात करें दोनों लोगों की, तो ये दोनों लोगों में पहले मधुर संबंध नहीं रहे हैं, ये दोनों ही नेता वो है जो पहले एक दूसरे को काटने के तैयार बैठे होते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहली बार राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे उसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते। अगर हम अभी इस बार के चुनाव की बात करें, अध्यक्ष के चुनाव की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, तो राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं थे, नरेंद्र मोदी की पसंद थे प्रेम कुमार धूमल, नरेंद्र मोदी के पसंद थे वेंकैया नायडू, बल्कि राजनाथ के लिए इसलिए अच्छा रहा क्योंकि राजनाथ को तमाम चीजों के साथ साथ संघ की पुरजोर तरफदारी मिली, और गडकरी जो नितिन गडकरी जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने तरफदारी करी, जिसका फायदा राजनाथ सिंह को मिला, राजनाथ सिंह की छवि भी बेहतर रही, इसका भी फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात जो है इस पूरे मसले पर, सबसे बड़ी जो बात सन के बाहर आ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए जो तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लगभग ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने कभी भी ग्रीन सिग्नल दिखा सकती है, उसमें अवलंगा दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह पर भी अब लोगों ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह बहुत अच्छे छवि के नेता और खास करके एनडीए के तमाम घटक को एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने शर्मा साहब तो समझिए सबसे पहला कमेंट जो आया वो नीतीश कुमार का कमेंट था। नीतीश कुमार ने कहा कि ये तपे तपाए नेता है और इनके आने से पार्टी मजबूत होगी और तमाम जो हमारे गठबंधन है उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आसिफ साहब, ये एक संकेत ये भी माना जाए कि कहीं राजनाथ सिंह भी उत्तर भारत की तरफ से एक नेतृत्व देने की क्षमता रखने वाले एक कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं, तो इसे इस रूप में लिया जाए कि मोदी जी ने शायद पहले से ही उन्हें माइल करने की कोशिश की हो, राजनाथ सिंह के रूप में एक प्रतिद्वंद्वी और नहीं बढ़ाना चाहते रहे हो, क्योंकि गडकरी के रूप में उन्होंने एक अपना दुश्मन कहीं ना कहीं बना ही लिया था भारतीय जनता पार्टी के बीच। देखिए इसमें एक मामला साफ होता हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जो आए, नरेंद्र मोदी का मकसद ये रहा कि वो पहले मिलकर अखंडता निभाए, और दूसरी चीज कि वो ये मैसेज देने का काम करे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी जो निर्णय लेगी उसके साथ वो खड़े हैं, जबकि अंदर खाने कुछ और भी है। दूसरी तरफ वो चाहते थे कि संसदीय बोर्ड जो बने बीजेपी का उसमें उनके लोग भी शामिल किए जाए, उनके जो अपने लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए और वो इस पर दबाव बना सके। तीसरी चीज ये रही है कि नरेंद्र मोदी इसलिए भी आए क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद बड़ा होता है, लेकिन ये सारी चीजें वो अपने आप को सुनिश्चित कराने के लिए है, अपनी चीजों को दुरुस्त करने के लिए है, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आप मोदी साहब, आप हम लोग आए और मोदी और राजनाथ की जो मुलाकात हुई वो 2014 के चुनाव को लेकर हुई। जरा सोचने वाली बात है सलमान साहब, इस बात को बड़ा गौर करने वाली बात है, देखिए ये दो नेता ही बीजेपी के सबसे बड़े लोग हैं जो ये 2014 के लिए बात कर रहे थे,
क्योंकि ये बात जब 2014 की बात होती है, चुनाव की बात होती है, चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ खड़ा होने की बात होती है, तो बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, जी जी जी, राकेश अडवाणी की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, अरुण जेटली की बात करें, वेंकैया नायडू की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, अनंत कुमार की बात करें, तो ये लोग शामिल नहीं थे। जी आसिफ साहब सही फरमाया आपने कि अभी भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेताओं को इस बैठक में शामिल होना था और होना चाहिए था, अगर सिर्फ 2014 के इलेक्शन की बात थी। इसके पीछे के कारण कुछ और हैं, लेकिन ये संकेत जरूर मिले हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश जरूर की है। आसिफ साहब, इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाकर रखिएगा, हम फिर इस विषय पर जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये थे आसिफ इकबाल साहब दिल्ली से हमारे संवाददाता, और हमें जानकारी दे रहे थे राजनाथ सिंह और मोदी के बीच हुई चर्चा पर अपना विश्लेषण दे रहे थे आसिफ इकबाल। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए, मुद्दे की बात अभी जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी, और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी? पापा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। पीएसएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसएल इंडिया लिमिटेड। पीएसएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई है? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाँफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। और मुद्दे की बात में चर्चा राजनाथ सिंह और मोदी के बढ़ते करीब आने की, उनके रिश्तों में आए बदलाव की, और साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में, इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ जयप्रकाश ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के नेता। जयप्रकाश जी, इसे किस रूप में चलते चलते हम बात करेंगे, इसे महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, और मोदी के रूप में एक गुजरात का व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, केंद्र में जिम्मेदारी निभाने को आतुर है, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह न सिर्फ उत्तर भारत के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वसामान्य नेता के रूप में जिन्हें पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस मुलाकात के मायने अगर देखे जाएं तो मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर होगा? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी मुलाकात, एक मुझे लगता है कि एक अध्यक्ष के नाते, अध्यक्ष चुने जाने के कारण उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने पॉलिटिकल चर्चा निश्चित की होगी, क्योंकि दो नेता मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा निश्चित करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज चौहान जी भी मिलने के लिए गए थे, लेकिन मोदी जी एक ऐसा नाम है कि वो मिलने जाते तो भी चर्चा का विषय बन जाता है, इसके लिए अधिक चर्चा का विषय बना है। आपने देखा होगा कि आडवाणी जी ने भी जब अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने भी कहा कि इतना उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जितने कार्यकर्ता आज आए हैं उत्साह में आए हैं, इतने अध्यक्ष बने। तो राजनाथ सिंह जी में खुद में एक स्पार्क है, और जिस ढंग से वो काम करते हैं उस ढंग से निश्चित ओवरऑल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इसका निश्चित फायदा होगा। और आपने देखा होगा सलमान भाई के जो अभी राष्ट्रपति जी का कल परसों भाषण हुआ, उन्होंने भी कहा कि एक नई पॉलिटिकल कल्चर की आवश्यकता है, और नई पॉलिटिकल कल्चर मतलब आने वाले समय में राजनीतिक ढंग से हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा जनता के बारे में, देश के बारे में। फिर दिल्ली की घटना हो, दिल्ली की घटना में लगातार लोग रास्ते पर आए, ये भी पहली बार हुआ इस देश में कि किसी एक इशू को लेकर इस देश की जनता लगातार 15 दिन 20 दिन तक सड़कों पर रही। तो देश आने देश वाले देश में सोचना पड़ेगा, देश में बदलाव हो रहा है, नई युवाओं की सोच बदल रही है, युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और उन्होंने काफी बदलाव लाने की कोशिश की है। बदलाव के दौर से गुजर रहा है, वो राजनीतिक बदलाव हो, नेतृत्व परिवर्तन हो, हर तरह का बदलाव देश चाहता है। देखना यह होगा कि 2014 के आने वाले चुनाव में क्या बदलाव आता है। नरेंद्र मोदी के स्वभाव के बदलाव को तो हम देख चुके, देश का मतदाता क्या बदलाव लाता है या फिर उसी तरह की सरकार बनती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जयप्रकाश जी, आपका हमारे साथ आए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मुद्दे की बात में फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए 11 न्यूज। We'll be right back.